हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवेनी ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? और अभी पेड़ की, हमारे घर के आगे जो एक छोटा सा पेड़ लगा हुआ था ना, उसकी कटिंग चल रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया और फैल गया है पूरे में बेसिकली। और आज अंकल लोगों का जो है टचिंग वाला काम रह गया है, लास्ट वाला काम, तो वो लोग अपना फिनिश करके जा रहे हैं। तो यहाँ पे पेड़ की कटिंग चल रही है। पूरा बहुत बड़ा हो गया। और यहाँ पे अंकल का जो है ये वाले काम रह गए हैं, ये टचिंग वाले काम रह गए हैं, तो वो अभी कटिंग करके स्कार्टिंग वगैरह लगाएंगे। अभी स्कार्टिंग नहीं लगी है और बाकी चीज़ें और रह गई हैं, तो वो भी करेंगे। तो चलिए गाइस, अब मैं चलती हूँ अपने रूम में और देख लेती हूँ इनको थोड़ा सा, क्योंकि वो रो रही है। लोवर अभी हम सब हो गए हैं मेला जाने के लिए तैयार, और हुरैन भी हो गई है तैयार, उसने पहने हैं न्यू ड्रेस, और उनके मामू, चाचू, पप्पा, मम्मा सब तैयार हो गए हैं। सो वह सब चलते हैं मेला और देखते हैं वहाँ पे लगा भी है या नहीं लगा है, क्योंकि हमने कुछ लोगों की वीडियोस देखी हैं, मतलब साहिन भाभी जो हमारी व्लॉग बनाती हैं, हमारी रेठानी वो भी व्लॉग बनाती हैं, उनके व्लॉग्स में देखा है कि भाई मेला लगा है मुरैना में, जाके भाई भी बताते हैं हमें, लेकिन वो पूरी तरह से लगा है या नहीं लगा है वो हम लोग को वहाँ जाकर ही पता चलेगा। तो चलो देखते हैं क्या हो जाएगी। भाई क्या कहते हैं आप, देखने जा रहे हैं ऐसे? और हमारे पति देव जी यहाँ पे नॉट गिन रहे हैं। ए देखो, चिल्लर गिन रहे हैं। नहीं, मैं ज्यादा खर्चा नहीं कराऊंगी। बोल रहे हैं मुझसे कितना खर्चा कराएगी मेले। बस आइसक्रीम आ जाएगी, लेकिन मुझे आइसक्रीम नहीं खाना है। नहीं, मैं सिर्फ पानी टिक्की पीऊंगी, आइसक्रीम नहीं खाना, क्योंकि हो रहा है मुझे जुकाम, हुरैन को भी जुकाम हो रहा है, अगर मैं आइसक्रीम खाऊंगी तो फिर हुरैन भी मांगेगी, तो इसलिए हम आइसक्रीम नहीं खाएंगे। ठीक, चलो रख ली ना। ओ मेरा बैग कहाँ है? हमारी मम्मी नहीं जा रही है। मम्मी क्यों नहीं जा रही हो? खाना बना रहा है। तुम खाना बनाओगी, हम घूमने जाएंगे। सो गाइस, हम सब निकल गए हैं मेला जाने के लिए, और मम्मी एक्चुअल में इसलिए नहीं जा रही हैं क्योंकि वो ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती, चल नहीं सकती है, उनके पैर में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है, तो वो नहीं जा रही। हम तीन पीछे बैठे हैं, दो लोग आगे बैठे हैं, पांच बैठे हैं। हाँ, दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं हमारे। गाइस देखो, मेले की लाइट्स यहाँ से शुरू हो गई हैं, तिरंगे झंडे वाली। ब्रेन मिला जा रहा है। यस पापा, तो गाइज़ हम लोग आए हैं कार से और जैकी भाई आए हैं स्कूटी से, तो लेकिन वो हमसे पहले पहुंच गए, तो हम लोग यहाँ पे यही बातें कर रहे थे। और यहाँ पे ना ग्वालियर मेले के बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, रौनक काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, झूले भी काफ़ी सारे थे। सो गाइस, मेले में ना बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज मिल रहे थे यहाँ पे, ये देखो किटन, भील, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे टॉयज थे, वो पुराने थे लेकिन ठीक था। और मेले में हर माल 10 रुपये वाला से शॉपिंग किस किस ने की है कमेंट करके बताना, देखिए हर बार जो मेले में जब भी आती है ना ये शॉप हर माल वाली, तो मैं शॉपिंग जरूर। अरे भैया, हम कह रहे हैं जाने
हाय गाइस। अरे भैया तुम इतने बड़े हो गए। मम्मी नहीं आई, मैं पहले से बार पतली हो गई। दादी इंदौर पढ़ने गई थी, क्या हुआ? अरे नहीं गई मैं, नहीं गई, थोड़ा शादी वादी लेजर करा रही थी, मैं जा रही। अच्छा लेजर करा लिया, सही। सो गाइस भेलपुरी खाते टाइम हमारी नज़र पड़ी एक बहुत ही पपी पे, तो ये बहुत ज़्यादा क्यूट सा लग रहा था गाइस सच्ची में। और यहाँ पर भी हुरैन को थोड़ा सा झूला झुला देते हैं, तो हुरैन इतनी ज़्यादा डर गई थी ना यहाँ पे, हम सब लोग भी बहुत ज़्यादा डर गए थे क्योंकि हुरैन के साथ में घूमने वाला कोई भी नहीं था, कोई भी बच्चा नहीं बैठा था इस झूले में। और जैसे उन्होंने स्टार्ट किया ना, वैसे हुरैन बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई थी क्योंकि वो एक साइड में जा रही थी, तो यहाँ पर मैं भी उसको बहला रही हूँ, उसको शांत करा रही हूँ। तो गाइस अब बारी आ जाती है इसकी, तो ये किस किस ने किया है मेले में ये मुझे ज़रूर बताना। तो इन्होंने ट्राई किया, मैंने ट्राई किया, नहीं बैलून फूटे, और रिचा ने जब ट्राई किया ना तो बैलून फूट गया था। मौत का क्यों चल रहा है वो, क्या बोलता है मौत का कुछ नहीं जी, नाव वाला ये 2000 का तो गाइस मेले से तो हम लोग निकल आए हैं, अब थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं बाहर क्योंकि मेले में तो हमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो हम लोग आए हुए थे बाहर खाने के लिए, तो यहाँ पे भी सारे स्टॉल वगैरह सब कुछ बंद थे। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो मार्केट चलते हैं, तो मार्केट में भी सारी दुकानें जो भी थी ना वो सब वॉश हो रही थी। हटो बीच में से, यहाँ तो बस चाय वाय के लिए बैठे रहते हैं, चाय कोल्ड ड्रिंक पेप्सी सोडा। ये क्वार्टर कितने नीचे घुस गए। तो गाइस घूम फिर के घर जा रहे हैं वापस क्योंकि कहीं पे भी कुछ भी नहीं मिला है खाने को। मेले में सिर्फ पानी पूरी थी और क्या था भेलपुरी, वो भी खाई वो भी खराब निकली। इधर था अपना क्वार्टर। हाँ तो वो भी जो है अच्छी नहीं लगी है, तो सोचा कि चलो बाहर खा लेंगे, तो बाहर भी सारी दुकानें सब बंद हो चुकी हैं, जो भी स्टॉल वगैरह थी वो भी सब बंद पड़ा है। तो अब जा रहे हैं घर, घर पे ही खाएंगे खाना, ठीक है ना हो रहे हैं क्यों जाएगी भाई बोल रहा है। इतनी अच्छी वो थी भेलपुरी, मैं दोबारा खाना चाहता था उसको। सच में इतनी टेस्टी लगी उनको, ऑफ कैमरा था तो अच्छी नहीं है, जैसे कैमरा उठाया कैसी लगी, अच्छी अच्छी है। बाकी ऑफ कैमरा किसी को पसंद नहीं आ रही थी, जैसे मैंने कैमरा उठा के पूछा वैसे कहने लगे अच्छी। अरे पार्टी करेंगे हम, तो पार्टी करेंगे। हाय करो, हाय हाय, बेबी देख रहा है। सो गाइस आ जाओ खाना खाने के लिए, ये है बेसन की खड़ाई
यानी कि बेसन की चकती भी इसको आप लोग बोल सकते हैं, हम लोग खड़ा ही बोलते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी मुझे। और अभी मैंने सीखी है रोटियाँ, तो बस सबका खाना हो चुका है। मम्मी ने सब्ज़ी बना दी थी, हम लोग वहाँ से आए थे तो सब्ज़ी बनी रखी थी, और बस आटा गूंथ के अभी रोटियाँ सेकी। तो गाइस खाना मैंने खा लिया, जब मैं प्लेट रखने के लिए गई ना तो खाला कर रही हैं बर्तन साफ। तो चलिए गाइस खाना पीना हमारा हो गया है, और मेरा आया था पार्सल। तो मैंने क्या मंगाया पार्सल में, मैंने डब्ल्यू बाजी के लिए और अपने लिए कुछ मंगाया हुआ है, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। चलिए तो गाइस यहाँ पे ना ये वाला रूम बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था, क्योंकि एक तो ये वाइट कलर जो कि मेरा फेवरेट है, एंड सेकेंड पे पुट्टी और प्राइमर हो गया तो और भी ज़्यादा उभर के आ रहा था, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और तो मैं इसी को ही देख रही थी। और गाइस यहाँ पर ना मैं एक कमेंट लेना चाहूँगी, क्योंकि एक बहन ने कमेंट किया जो मैं वलीमे में गई हुई थी। तो मेरी प्यारी बहन बोल रही हैं मुझसे कि तुम बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो, जो कि अबिन महमूद तुम्हारे लिए अपना काम छोड़ कर आए। तो जी डियर, वो आए थे, मतलब कोई इंसान अपना काम छोड़ करके हमारे लिए आता है तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो शायद तुम्हारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, सिर्फ तुम्हारे यहाँ दावत दी और उनका काम ख़त्म, लेकिन यहाँ जो है हम लोग नई पहचान बना रहे हैं, नए नए लोगों से जुड़ रहे हैं। तो लोगों का ये होता है कि नए लोगों से जब जुड़ते हैं तो उनका ख़ास ख्याल रखा जाता है, तो इसीलिए शायद वो हमें दोबारा बुलाने के लिए आए। होता है ना ऐसे, अगर हम भी किसी से जुड़ते तो हम भी शायद उनको दोबारा से फ़ोन करके बोलते हैं, हम भी बोलते कि नहीं ज़रूर आना, ऐसा होता है। तो इस बात को समझिए, हर एक चीज़ को नेगेटिव वे में मत लिया करो, पॉजिटिव सोचा करो, पॉजिटिव रहा भी करो। तो ऐसा था, ठीक है। और क्लियर मैंने कर दिया है, तो इस तरह की बातों से जो है ना दिलों में खटास पैदा होती हैं और अच्छा नहीं लगता है ये सारी बातें करना। तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट ऐसे मत किया करो। बाकी और मेरे व्यूवर्स नहीं है, लेकिन एक ही बहन मेरी थी जो कि उनको समझ में नहीं आया, हर एक